हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू टॉकिंग टेक्स बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड एंड हम लोग हमारा लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे राइट right? हम लोगों ने लास्ट टाइम में ये सीखा कि जो लाइट होती है वो किस तरीके से हमारी हेल्प करती है इन व्यूइंग ऑल द थिंग्स ठीक है लाइट हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो एनर्जी है ठीक है एंड वो सब चीज़ों को एल्यूमिनेट करती है वो खुद इनविजिबल होती है ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी आज के लेक्चर में हम कुछ फर्दर बातें डिस्कस करेंगे लाइक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे ठीक है मीडियम ऑफ लाइट देखने वाले हैं कि बहुत तरीके के जो मीडियम्स होते हैं ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूशन ऑपिक इनकी बातें करेंगे ठीक है ऑल्सो वी विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चन टूडे ऑल्सो ठीक है एंड दैट इज द मेन थिंग कि हम लोग क्या करें लाइट को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं वॉट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वट आर द मीडियम्स ऑफ लाइट लुमिनस एंड दी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ये सब बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड दीज आर टोटली इंपॉर्टेंट फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज द दलम्पियाड लेवल एंड वी आर प्रिपेयर

क्या होगा आपके सामने क्लास टेन क्लास सिक्स का जो टेलीग्राम चैनल है वो अपियर हो जाएगा आप उसे ज्वाइन करो ठीक है एंड यू कैन एक्सेस ऑल द डी पी पीज एंड स्टडी मटेरियल ओवर देयर नाउ सी देखो ये जो टीम है दिस टीम इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट एंड दिस टीम इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग यू फॉर द साइंस एंड द मैथमेटिक्स ओलम्पियार तो बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन साइंस एंड मैथेमेटिक्स ओलम्पियार Right, and we are covering subjects like physics, chemistry, bio, maths, math. Right, we are covering these much of subjects and we are making you prepare so that you can fight all the examinations the private ones, Olympiads, and the school examination. Right, that is the main goal to make you prepare for that. And in that, uh, you can say, in that series, we have prepared something for you all. Right, let me have my pen first. नाउ सी देखो वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो ऑन दिस वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट टॉकिंग टेक्स बुक्स डॉट इन जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे यू विल बी गेटिंग टू टाइप ऑफ पैकेजेस सो देखिए फुल पैकेज उन बच्चों के लिए है जो कि ऐसा जिन्हें ऐसा लगता है कि भाई उन्हें कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है ठीक है तो उन्हें किस डायरेक्शन में प्रिपेयर करना चाहिए किस टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए कितना डीपली प्रिपेयर करना चाहिए उन्हें ये सब बातें नहीं पता होती हैं उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें कौन से बुक्स को प्रेफर करना चाहिए तो जो फुल पैकेज है उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्हें गाइडेंस का उन्हें कोई सोर्स नहीं है जिनके पास ठीक है सो वी प्रोवाइड यू दैट गाइडेंस वी आर स्पेसिफिकली मेकिंग यू कैपेबल ऑफ अचीविंग दैट ड्रीम ऑफ क्रैकिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस मच ऑफ थिंग्स लाइक द स्टडी मटेरियल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिस मटीरियल इज़ एक्चुअली Focused on the competitive examination along with the school examination. So this is like um, a, a given chapter, and then you will be doing questions uh, from the school examinations also from the Olympiad section. So basically, this is the comprehensive study material you will be getting then the recorded and live classes, how they will be benefiting you because definitely aapko kuch support me as a supplementary. Ke वॉट वी आर डूइंग है वी आर लाइक राइटिंग ऑल द थिंग्स ठीक है और इसके साथ साथ स्टडी मटेरियल के साथ साथ रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेज आपको मिल रहे हैं ठीक है नाव यू कैन सी है होमवर्क सबमिशन फीचर ठीक है होमवर्क सबमिशन फीचर में यू विल बी डूइंग दी होमवर्क एंड सबमिटिंग टू अस तो बेसिकली यू विल बी स्टार्टिंग यू विल बी वाचिंग लेक्चर्स डूइंग होमवर्क सबमिटिंग टू अस एंड देन द टेस्टिंग थिंग व्हाट यू विल बी डूइंग यू विल बी गेटिंग टेस्टेड टू आयर्स अ वीक दैट इज द शॉर्ट क्विज ठीक है तो आप क्या करेंगे आप लेक्चर स्टडी करेंगे क्विज अटैम्प्ट करेंगे और ये जानेंगे कि आप कौन से क्वेश्चन में किस टॉपिक के क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे हैं क्या चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कौन से क्वेश्चन में आप अटक गए हैं कौन से क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से कर लिए हैं ये क्वेजेस से आपको पता चलेगा राइट एंड देन आफ्टर सम पीरियड्स ऑफ टाइम यू विल बी गेट एक पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स ये पीरियडिक टेस्ट पेपर्स उस पैटर्न पर बेस्ड हैं जिसपे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आता है तो बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न है दैट पेपर पैटर्न इज एग्जैक्टली कॉपीड इन टू द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स एंड यू विल बी गेटिंग अ फील ऑफ गेटिंग द टेस्ट पेपर्स हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑल द क्वेश्चन ठीक है कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन होते हैं और कितने जो हैं आपको क्वेश्चंस मिलेंगे टोटल क्वेश्चंस आपको कितने टाइम में सॉल्व करने होंगे ये सब बातें आपको पीरियडिक टेस्ट पेपर से क्लियर आउट हो जाएंगी सो बेसिकली दीज आर द मिनिमम थिंग्स विच नीडेड बाय अ स्टूडेंट्स डेफिनेटली एंड दे विल बी हेल्पिंग यू इन क्रैकिंग ऑल दी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दैट्स वाई वी हैव मेक दैट अ पैकेज एंड यू कैन डेफिनेटली बाय दैम And if you are serious in taking the test series only, if you are not serious about the studying thing, but you want to test yourself where you stand in that competitive examination, you can definitely um, buy this test series. In this, you will be getting the quizzes and you will be getting the periodic test papers along with the lectures they are recorded in the live classes. So basically, you will be getting all the three things together and you can definitely join the test series. You will be, um, you can testing yourself where you stand in your appearance. right? That is the main thing. Now, the uh, good thing and the very good thing for you all is you can definitely get a 30% discount if you write my code CYLIVE. So, if you are serious about buying these packages, you can definitely write my code that is CYLIVE. And if you write that code, you will be getting a 30% discount, right? And uh, by this discount, you can definitely get that. All right, you will be getting a 30% discount, that would be all. Even if you have any query, you can definitely call us, and the number is nine one nine five four nine zero four double one double one. So you can call us, alright, and uh, all your queries will be resolved. So if you are serious about these things, you can definitely call us. All your queries will be resolved over there, and make sure that you study well with these lectures. These lectures are free for everyone, so you can definitely share them to all your friends, all your relatives, so that they can study from them also, with definitely free of cost, right? Now, now it's the promise time. So, promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. That is the most thing to do, right? You should revise on a daily basis. Because we have done 6th chapter. Pe राइट एंड दैट इज़ द मेन थिंग दिस इज़ द सिक्स चैप्टर एंड आपको पीछे के जो फाइव चैप्टर्स हैं उन्हें भूलना नहीं है और उनको हम कैसे नहीं भूलेंगे बाय रिवाइजिंग दैम ठीक है तो आपको फिफ्टीन मिनट्स से डे रिविजन करते रहना है ठीक है चलो अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट ठीक है व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल द थिंग्स नीडेड ये चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दी टॉपिक स्पेसिफिकली लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हम लोग आज देखने वाले हैं वट आर दीज हाउ दीज आर गोइंग टू बेनिफिट ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूशन टू ऑब्जेक्ट्स एंड ऑपिक ऑब्जेक्ट्स ठीक है ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे ये है मीडियम ऑफ लाइट्स उसके बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है हम लोग ये देखेंगे वी विल बी स्टार्टिंग द रेप्टिलीनियर प्रॉपोगेशन ऑफ लाइट किस तरीके से लाइट प्रोपोगेट करती है वी विल बी वॉचिंग दैट characteristics of light many characteristics of light we are going to forward okay and then see beam of light ray of light pencil of light what are these and why we study them we are going to discuss them also in today's lecture ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं तो देखो नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे ठीक है जो ऑब्जेक्ट का नेचर होता है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं व्हाट आर दो कैटेगरीज देर आर टू कैटेगरीज द नंबर वन इज लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ठीक है और जो दूसरा होता है वॉट इज दैट नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट ऐसी ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो क्या करें जो एक तरीके से खुद से एमिट करती हैं लाइट उन्हें हम बोलते देते हैं लुमिनस एवरी ऑब्जेक्ट आइदर इट इज नेचुरल आइदर इट इज आर्टिफिशियल एवरी ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट इज एक्चुअली वॉट द लुमिनस ऑब्जेक्ट ठीक है एंड द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट इट कम्स इन टू द कैटेगरी ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स व्हाट आर दीज एंड हाउ वी आर गोइंग टू सी दैम लेट्स सी तो हम लोग वन बाय वन लुमिनस एंड नॉन लुमिनस को डिस्कस करते हैं ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ठीक है लुमिनस ऑब्जेक्ट्स मीन्स दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट बाय देम खुद से वो क्या कर रहे हैं लाइट को एमिट कर रहे हैं ठीक है दोज ऑब्जेक्ट्स आर दी लुमिनस वन जैसे कि सन खुद से एमिट कर रहा है लाइट जैसे कि बल्ब वो भी खुद से एमिट कर रहा है लाइट बाई दे वॉट द लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आई दे कैन बी नेचुरल दे कैन बी आर्टिफिशियल तो देखो नेचुरल में सन आता है लाइटनिंग आती है इवन स्टार्स ठीक है और एज़ यू कैन सी हर आर्टिफिशियल के लिए यू कैन सी लैम्प यू कैन सी बल्ब इवन कैंडल्स ठीक है सो डेफिनेटली ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो कि क्या करती हैं खुद से एमिट करती हैं लाइट कम्स इन टू द कैटेगरी ऑफ द लूमिनस राइट एंड ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो कि खुद से एमिट नहीं करती वो कहाँ आती हैं नॉन लूमिनस में आती हैं और राइट सो मेक श्योर यू नोट देम डाउन देखो सन स्टार्स एंड इवन लाइटनिंग लाइटनिंग भी हमें तो लाइट देती है राइट वी सी दैट वी गेट लाइट दैट थिंग दैट लाइटनिंग एक्चुअली एमिट लाइट ठीक है ये जो लाइटनिंग होती है हम हम देख पाते हैं ठीक है यू कैन सी हे देर इज अ देर इज अ यू कैन सी अ पाथ शोन ऑफ दैट लाइट राइट यहाँ पर भी तुम्हें क्या पता चल रहा है कि लाइट एमिट हो रही है, है ना तो इसका मतलब ये भी क्या हुई एक लुमिनस थिंग हुई राइट इसके अलावा देखो नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट में सन एंड स्टार्स मोस्ट ऑफ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं इलेक्ट्रिक लैम्प कैंडल्स एंड लैंटर्नस ये आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स तो हैं बट आर्टिफिशियल है बिकॉज दे आर मैन मेड ठीक है सो मेक श्योर यू नोट दिस डाउन ठीक है डेफिनेशन नोट करो एंड देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और राइट देखो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बाद हम लोग देखते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दी ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट तो अपने आसपास में जाने कितनी सारी चीज़ें जो एमिट नहीं करती लाइट फॉर एग्जाम्पल टेबल टेबल कहाँ एमिट लाइट करता है नहीं करता ना उसके अंदर से लाइट नहीं आती टेबल है तो वो एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हुआ चेयर की अगर हम बात करें वो भी एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट हुआ जो कि खुद से लाइट नहीं करता है तो आपके आसपास बहुत सारी आपके रूम में इवन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो खुद से लाइट एमिट नहीं करती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं नॉन लुमिनस लाइट्स बोलते हैं ठीक है तो देखो यहाँ पे हम लोग मेनली क्या देख रहे हैं कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट डू नॉट एमिट लाइट बट बट बिकम विजिबल हमें दिख तो रही है ना एमिट नहीं कर रही है वो खुद से एमिट लाइट नहीं कर रही है बट हमें तो दिख रही है दैट मीन्स क्या हुआ कि वो क्या करती है वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को कैसे करती है रिफ्लेक्ट लेट मी टेल यू बल्ब है तुम्हारे रूम में उसमें से लाइट आती है ठीक है उसमें से लाइट एमिट हो रही है अब तुम लाइट तो, को तो देख नहीं पा रहे हो लेकिन तुम बाकी चीज़ों को देख पा रहे हो सो वॉट इज हैपनिंग जिसकी वजह से तुम बाकी चीज़ों को देख पा रहे हो लाइट आती है तुम्हारे टेबल से टकरा के तुम्हारे आइज़ के अंदर जाती है ठीक है तब जाके तुम उस टेबल को देख पाते हो अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के तुम्हारी आंखों तक नहीं गई तो तुम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे ठीक है दैट इज द मेन थिंग वाई यू सी थिंग्स दिस इज द रीजन बिकॉज किसी भी सोर्स से अगर लाइट आती है लेट्स सन से लाइट आ रही है ठीक है सन से लाइट आती है तो आसपास की जितनी भी चीज़ें उन सभी पे वो लाइट फॉल होती है राइट right? उन सभी पे वो लाइट फॉल होती है टेबल चेयर्स ट्रीज स्टोन्स हाउसेस सब पे लाइट फॉल होती है ठीक है और वो जो लाइट उस पर फॉल होती है उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके हमारे आँखों में जाती है तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं सो so, ये जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती वो एक्चुअली क्या करते हैं वो एक्चुअली किसी और की लाइट लेकर रिफ्लेक्ट कर देते हैं तुमको तुम तक फेंक देते हैं तुम तक भेज देते हैं, तुम्हारी आँखों में जाती है लाइट तब जाके तुम्हें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देती है जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नॉन लुमिननस में मून ठीक है ये मून क्या करता है तुम्हें मून दिखाई देता है बिल्कुल दिखाई देता है ठीक है मून एक्चुअली में क्या करता है वो सन की ही रेस को क्या करता है रिफ्लेक्ट कर देता है अर्थ की तरफ और तुम्हारी आंखों में वहां से आती हुई नजर आती है अब क्योंकि वहां से मून से आती हुई रोशनी तुम्हारी आंखों में जाती है तो तुम्हें लगता है मून से आ रही है रोशनी राइट बट एक्चुअली वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है सो वो एक लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं हुई ठीक है क्योंकि उसके खुद की लाइट नहीं है वो खुद से एमिट नहीं कर रही वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रही है दैट्स वाई मून जो हुआ वो एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हुआ ठीक है उसका खुद की लाइट नहीं है बट इट रिफ्लेक्ट्स द सन्स लाइट और अब देखो उसके आप उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं आपके जो लाइफ में वो देख सकते हो वुड एन बॉक्स टेबल एंड ऑल द थिंग्स अराउंड यू इवन योर पेन आपका पेन भी कहाँ खुद से लाइट एमिट करता है बट वो तुमको दिखाई देता है रीजन कि भाई जो भी लाइट आसपास है वो उस पर फॉल होती है और उससे फिर वो तुम्हारी आंखों में लाइट जाती है तब जाके तुम्हें वो दिखाई देता है और राइट अब आप देख सकते हो प्लान्स प्लानट्स भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती

रिफ्लेक्ट का मतलब उनके ऊपर जो लाइट गिरती है वो तुम्हारी आंखों तक पहुंचा देते हैं ठीक है दैट इज द मेन थिंग दैट्स दैट वी आर सीइंग ऑल द थिंग्स अराउंड अस और राइट तो ऐसी ऑब्जेक्ट भी हम देख पाते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं है और ऐसी ऑब्जेक्ट भी हम देख पाते हैं जिनकी खुद की लाइट एम है जैसे कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ठीक है सो मेक श्योर यू नोट दिस डाउन द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आल्सो दीज एग्जांपल्स जो कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में कन्वर्टेड है राइट तो देखो ये जो एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल एंड नॉन नेचुरल ठीक है आर्टिफिशियल एंड नेचुरल नेचुरल में कौन कौन आ जाएगा मून आ जाएंगे प्लान आ जाएंगे बिकॉज दे जस्ट रिफ्लेक्ट लाइट ठीक है एंड जो आर्टिफिशियल है वो आपके आसपास अवेलेबल है योर बॉटल योर टेबल योर पेन योर बुक्स कॉपीज अलमीरा बेड सब कुछ ठीक है इवन वॉल्स वॉल्स भी ऐसे हैं ठीक है तो आपको अब पता चला देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स वन इज द ऑब्जेक्ट दोज आर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट होती है ठीक है एंड देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन देम और राइट उसको हम क्या बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ठीक है Um, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं नॉन लुमिनस मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट जो चमकती नहीं है ठीक है थोड़ा बहुत हम लोग इसको रिलेट इस कर सकते हैं और राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी मीडियम ऑफ द लाइट मीडियम ऑफ द लाइट का क्या मतलब हुआ ऐसे सब्सटेंसेस जिनके मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट मीडियम वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई लाइट कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स में से जा सकती है और राइट मतलब ऐसी कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर से लाइट जा सकती है नहीं जा सकती है सो वी हैव मेड थ्री कैटेगरीज ऑन बेसिस ऑन दी कि भाई लाइट जा सकती है कि नहीं जा सकती सो सी सब सब्सटेंसेज थ्रू विच लाइट प्रॉपोगेट्स और टें टू प्रोपोगेट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ लाइट ऐसी चीज़ें जिसमें से लाइट जाती है या फिर जाने की कोशिश करती है ठीक है उसे हम क्या बोलते हैं मीडियम ऑफ लाइट और ये जो मीडियम ऑफ लाइट है ये थ्री कैटेगरीज में डिवाइड है सबसे पहली कैटेगरी कौन सबसे पहली कैटेगरी कौन आती है यहां पे दैट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो ऐसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम सभी को पता है कि भाई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कितने सी थ्रू होते हैं वी कैन सी थ्रू दैम है ना तभी तो सी थ्रू हुए राइट वी कैन सी थ्रू दैम तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर से लाइट जा सकती है फुल जा सकती है और राइट सेकेंड कैटेगरी रखी गई ट्रांसलूशंट ऑब्जेक्ट्स की ऐसी ऑब्जेक्ट जिसमें से पार्शियली लाइट जा सकती है मतलब थोड़ी लाइट जा सकती है और थोड़ी नहीं जाएगी ठीक है सो ऐसे ऑब्जेक्ट आप ऐसा मान सकते हैं कि इफ यू लुकड थ्रू दोज ऑब्जेक्ट तो तुम्हें उसके पीछे क्या है वो तुम्हें ब्लर दिखाई देगा तुम्हें क्लियर नहीं दिखाई देगा जस्ट लाइक दी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ठीक है तो वेन यू सी ब्लर तो दैट मीन्स दैट इज अ ट्रांसलूशंट ऑब्जेक्ट मीन्स स्लाइटली और यू कैन से पार्शली लाइट इज कमिंग आउट एंड पार्शली नॉट ठीक है, फिर आती है थर्ड कैटेगरी वट इज दैट ऑपिक ऑब्जेक्ट ऑपिक ऑब्जेक्ट ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं जो कि अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट को जाने नहीं देती ठीक है तो दो कम्स इन टू द कैटेगरी ऑफ ऑपिक ऑब्जेक्ट सो देर आर थ्री मीडियम्स ऑफ लाइट पहला मीडियम ट्रांसपेरेंट जिसमें से फुली लाइट जा सकती है लाइट कैन ट्रेवल थ्रू दैट ऑब्जेक्ट ठीक है सेकेंड ट्रांसलूशन जिसमें से पार्शली लाइट जा सकती है एंड पार्शली नहीं जा सकती ठीक है थर्ड ऑपिक ऑब्जेक्ट लाइट उनमें से जा ही नहीं सकती फॉर एग्जाम्पल वॉल आपके घर की जो दीवारें हैं उसमें से लाइट नहीं जा सकती ठीक है बिकॉज डेफिनेटली बात है वो एक सॉलिड ऑपिक ऑब्जेक्ट है ठीक है अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं सो नंबर वन थिंग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ठीक है बॉडीज दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम दैट इज ट्रांसमिट लाइट थ्रू दम आर कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट फुली लाइट उनके अंदर से एंटर हो सकती है नाउ आप इसको देखो दिस इज अ ग्लास बाउल एंड यू आर एबल टू सी द फिश क्लियरली है ना हम लोग फिश को इजीली देख सकते हैं क्लियरली देख सकते हैं देयर इज फिश वो जहां जहां भी घूमेगी मूव करेगी हम उसको देख सकते हैं if we are able to see the things clearly through that medium that means yahan par actually me clear hai that means transparent medium hai aur aapko pata hai yahan pe do medium hai pehla to glass bowl theek hai second hai water as you can see the fish moving inside the water and you are able to see clearly that fish, ठीक है तो आप अगर clear clear देख पा रहे हो that means क्या हुआ वहां पर इस वक्त यहाँ पर फिर क्या होगा आपको क्लियरली दिखाई देगा तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइट कैन गो थ्रू दैट ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑलराइट होल लाइट कैन गो थ्रू दैट ऑब्जेक्ट सो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से लाइट फुल जा सकती है उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ठीक है और अदर एग्जाम्पल एयर देखो एयर जो है लाइट ट्रेवल कर रही है है ना एयर में से दैट इज द मेन थिंग ठीक है अब हमें ट्रांसपेरेंट है ऐसा तो नहीं है कि भाई जैसे हमारे जब विंटर्स होते हैं तो बहुत स्मॉग हो जाता है राइट धुंध आ जाती है तो धुंध में क्या होता है कि हमें नहीं दिखाई देता है ना दूर तक हमें नहीं दिखाई देता दैट इज वी कैन से कि तब हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो जाती है ट्रांसपेरेंट जो एयर थी है ना अब वो कैसी हो जाएगी धीरे-धीरे अपेक होने लग जाएगी राइट ये मेन चीज है जो हमने सीखनी है राइट right? तो देखो एयर जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है बिकॉज वी कैन सी थ्रू दैट है ना बीच में देखो अब जैसे लेट मी टेल यू वन थिंग कि जैसे आप फोन का स्क्रीन देख रहे हो ठीक है लेट से लैपटॉप का स्क्रीन देख रहे हो तो आप जो स्क्रीन देख रहे हो और आपकी आईज उसके बीच में तो बहुत एयर है राइट right? लैपटॉप का स्क्रीन और आपकी आइज के बीच में बहुत सारा एयर है एंड यू आर एबल टू सी थ्रू दैट ऑब्जेक्ट उस एयर में से तुम देख पा रहे हो सो एयर इज ऑल्सो एन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एयर में से लाइट जा सकती है और राइट एंड इट इज ऑल्सो द गुड थिंग कि एयर जो है वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है सोचो so, अगर एयर ट्रांसपेरेंट नहीं होती तो तुम कैसे खुद को या फिर अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते क्योंकि चीज़ों के बीच में और तुम्हारी आंखों के बीच में तो बहुत सारी एयर होती राइट right? और यही वजह है कि जब स्मॉग होता है जब धुंध होती है तो हम लोग नहीं देख पाते हैं बिकॉज धुंध जो है वो उस ऑब्जेक्ट और हमारी आईज के बीच में फिल हो जाती है तो हम नहीं देख पाते हैं उस ऑब्जेक्ट को राइट दैट इज द थिंग जो कि हमें समझना है ट्रांसपेरेंट मींस लाइट कैन गो थ्रू दैम इजिली फुली एंड वी आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू दैट ऑब्जेक्ट ठीक है तो वो क्या हुआ ट्रांसपेरेंट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन ट्रांसलूशंट ट्रांसलूशन मीन्स पार्शली आपको दिखाई देगा ठीक है आपको मतलब ऐसा होता है कई ग्लासेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम फ्रॉस्टेड ग्लास बोलते हैं ठीक है फ्रॉस्टेड और ग्राउंड ग्लास बोलते हैं तो ये कुछ ऐसे ग्लासेस होते हैं जिनके पीछे अगर कोई इंसान खड़ा होगा तो आपको ऐसे लगेगा कि भाई कोई कोई तो है पीछे कोई तो है ग्लास के पीछे बट यू विल यू आर नॉट एबल टू सी दैट क्लियरली कि भाई कौन है ठीक है दैट इज द थिंग ट्रांसलूशन थिंग पार्शली लाइट आ रही है थिंग कोई ना कोई पीछे है बट आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हो ठीक है सो इस तरीके जो ग्लासेस जो होते हैं फ्रॉस्टेड होते हैं ठीक है एंड अदर मीडियम ऑल्सो अदर मीडियम ऑल्सो जिसमें से क्या हो सकता है पार्शली पार्शली लाइट जा सकते हैं यू आर नॉट एबल टू सी क्लियरली बट यू आर एबल टू सी दैट समथिंग इज देयर और समथिंग इज प्रेजेंट ओवर देयर ये चीजें हमें पता चल सकती है सो so, उसका अच्छा एग्जाम्पल आप जो है देख सकते हो जैसे बटर पेपर बटर पेपर में से आप क्लियरली नहीं देख सकते बट आप कुछ कुछ तो देख सकते हो राइट तो दैट मीन्स यू आर एबल टू सी द पार्शियल थिंग्स ओनली दैट मीन्स लाइट उसमें से सिर्फ पार्शियली जा सकती है थोड़ी थोड़ी लाइट जा सकती है फुली लाइट ट्रेवल नहीं कर पाती फ्रॉम दी ट्रांसलूशन थिंग्स बॉडीज दैट कैन ट्रांसमिट ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट थ्रू द आर कॉल ट्रांसलूशन एग्जाम्पल्स कौन कौन होंगे फ्रॉस्टर ग्राउंड ग्लास ग्रीज पेपर पैराफिन वैक्स एंड बटर पेपर ये अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ऑल राइट सो यू कैन डेफिनेटली नो अबाउट दैम नाउ कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं पार्शली मतलब लाइट का कुछ पार्ट ही उसने जो है ट्रांसमिट होने दिया उस ऑब्जेक्ट ने बाकी इनको नहीं होने दिया दैट कम्स इन टू दैटेगरी ऑफ ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट्स ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड अपेक ऑब्जिक ऑपिक ऑब्जेक्ट ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो बिल्कुल भी लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देती ठीक है दैट मीन्स क्या हुआ जैसे कि वॉल आपकी वॉल से जो लाइट है वो पास ऑन नहीं हो सकती ठीक है जैसे लाइट कब कब पास होगी जैसे मानो आपने क्या किया आपने डोर क्लोज कर दिया तो डोर के नीचे से लाइट थोड़ा थोड़ा दिखाई दे सकती है डोर के ऊपर से दिखा सकती है साइड से दिख सकती है विंडो में से दिख सकती है बट आपको डोर के थ्रू नहीं जा सकती अगर वुडन डोर है तो नहीं जाएगा ठीक है मीन्स वुडन इज़ एन ऑपिक ऑब्जेक्ट ठीक है ये जो ऑपिक ऑब्जेक्ट हैं ये एक और चीज़ में हमें हेल्प करते हैं बट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपिक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट को आने नहीं देते ठीक है जैसे कि दिस पेन दिस पैन इज एन ऑपिक ऑब्जेक्ट अगर लाइट इसके अंदर से जाने की कोशिश करेगी वो नहीं जा पाएगी वो साइड में से चले जाएगी लेकिन वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर से नहीं जा पाएगी एंड देट्स वाई वी मे सेट देट दीज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज द ऑपिक ऑब्जेक्ट ठीक है जैसे आपकी नोटबुक आप अपनी नोटबुक को बंद करो एक सोर्स के ऊपर रखो ठीक है सोर्स ऑफ लाइट जिसके पीछे से लाइट आ रही हो तो तुम उसको नहीं देख पाओगे बिकॉज बीच में आ गई है ऑब्जेक्ट दैट इज एन ऑपिक ऑब्जेक्ट ऑपिक ऑब्जेक्ट दैट मीन्स की लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है उसमें से साइड में से आपको आती हुई लाइट दिख जाएगी ठीक है आपको पता चल जाएगा दैट इल्यूमिनेटेड एरिया है राइट right? लेकिन आपको वो ऑब्जेक्ट में से लाइट पास और नहीं हो पाएगी यू आर नॉट एबल टू सी थ्रू दैट ऑब्जेक्ट आप जैसे नोटबुक हाथ में अपने पकड़ी हुई है ठीक है तो आप उस नोटबुक के अंदर से पीछे की चीज़ें नहीं देख पाओगे बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे ठीक है दैट मेक इट एन ऑपिक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू आप नहीं देख सकते दोज आर कंसिडर्ड एज द ऑपिक ऑब्जेक्ट और उनमें से लाइट भी नहीं जा पाती ठीक है एग्जाम्पल ऑल दी ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू ठीक है ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल योर बेड योर पेन ठीक है एंड इवन इवन डोर वॉल्स ठीक है ट्रीज ठीक है ट्रीज के पीछे आप नहीं देख सकते उसके लिए आपको जो है मूव करके ही जाना पड़ेगा तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू आप बिल्कुल भी नहीं देख पाते हो आपको नहीं पता चलता उसके पीछे क्या है दैट मीन्स दो ऑपिक ऑब्जेक्ट और राइट ठीक है तो इसके जो एग्जाम्पल्स आप देखो चेयर शूज ये दो एग्जाम्पल्स जो हैं बट इसके अलावा डेस्क भी है और भी बहुत सारी चीजें उनके एग्जाम्पल्स है जो कि ऑपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ठीक है अब देखो अब आ, आपको पता चला कि भाई ट्रांसपेरेंट क्या होता है ट्रांसलूशन क्या होता है ऑपिक क्या होता है ये तीनों चीज़ें आपको पता चली बट एक और चीज़ है वो क्या है हाउ यू कैन मेक अ पेपर ट्रांसलूशन मीन्स यू नो जो पेपर होते हैं एक्चुअली में योर योर कॉपी पेपर ठीक है अगर आप देखें तो नोटबुक का जो पेपर है आपका वो देख सकते हैं तो वो क्या होते हैं वो एक्चुअली में ओपिक ऑब्जेक्ट होते हैं है ना मीन जब आप लिख रहे होते हो ठीक है तो आप उसको टर्न करते हो क्या टर्न करने के बाद आपको पता चलता है कि भाई इसके पीछे वाले पेपर में क्या लिखा है नहीं पता चलता है ना तो ये जो चीज़ है कि भाई हमें पता चला कि इसके पीछे हमें नहीं पता चल रहा है कि पीछे क्या लिखा है दैट मीन्स इट एन ऑपिक ऑब्जेक्ट तो दैट पेपर इज एन ऑपिक ऑब्जेक्ट लेकिन उसके अंदर हम उसको ट्रांसलूशन बना सकते हैं वी कैन मेक दैट ट्रांसलूशन ठीक है हम एक पेपर को ट्रांसल्यूशन बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं लेट मी टेल यू दैट एंड सचमुच में वो जो है बटर पेपर की तरह बिहेव करेगा बिकॉज वी नो दैट बटर पेपर इज़ अ ट्रांसलूशन बन ठीक है तो हम एक ऑपिक एक, पेज को हम क्या कर रहे हैं एक आ, ट्रांसलूशन पेज में बनाने की कोशिश कर रहे हैं सो लेट्स डू इट हम लोग देखते हैं वॉट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू टेक द पेपर ठीक है एंड देन आपको क्या करना है उसको ऑयल जो है कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं और उस आ, पेपर के ऊपर हल्का सा ऑयल का लेयर आप लगा दें ठीक है यूजिंग अ ब्रश और एनी

वैसे तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बताने के लिए है कि किस तरीके से जो एक पेपर है अगर आप उसको सिर्फ पानी से गीला करोगे ठीक है अगर आप उसके ऊपर पानी की एक लेयर लगाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट इफ़ यू टेक अ लेयर ऑफ ऑयल दैट पेपर बिकम ट्रांसलूशन एंड यू आर एबल टू सी पार्शली सी थ्रू दैट पेपर राइट दैट इज द मेन थिंग अब हम आगे चलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी द रैक्टीलिनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट देखो, लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है दैट मीन्स लाइट ऑलवेज 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 ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन ठीक है लाइट क्या करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और राइट लाइट जो है एक्चुअली मेज क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है इसी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल शेडोज का बनना शेडोज क्यों बनती हैं शेडोज इसलिए बनती हैं क्योंकि कोई ऑपिक ऑब्जेक्ट लाइट के रस्ते में आ जाती है अब लाइट कर्व तो नहीं हो सकती कि भाई बीच में ऑब्जेक्ट खड़ी है तो वो घूम के चले जाए ऐसा तो नहीं होता ऐसा नहीं होता यही रीजन है दैट वी गेट द शेडोज ऑफ दैट ऑपिक ऑब्जेक्ट बिकॉज दैट ऑपिक ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट द पाथ ऑफ द लाइट ठीक है तो मेन थिंग क्या है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बाय दिस एक्टिविटी यू आर एबल टू गेट दैट देखो क्या किया एक कैंडल को हमने लाइट अप किया ठीक है एंड देन वी टेक अ स्ट्रेट पाइप अ हॉलो पाइप ठीक है ऐसा पाइप जिसके अंदर हम देख सके तो देखो जब हम स्ट्रेट पाइप से देखेंगे ना वी आर एबल टू सी दिस वी आर एबल टू सी दैट स्मॉल मच ठीक है हम उसको देख सकते हैं बट अगर हमने एक कर्व पाइप को लिया समथिंग लाइक दिस अगर ये कर्व पाइप हमने ले लिया सो वी आर नॉट एबल टू सी वी आर नॉट एबल टू सी दैट कैंडल फ्रॉम दैट पाइप reason is because light travels in a straight line. Light that goes through this pipe goes straight into the eyes of the kid. But in this case, light is not able to bend like this. That's why light उसकी आंखों तक नहीं पहुंची और उसे दिखाई नहीं दिया रिमेंबर जब तक लाइट हमारी आंखों में नहीं पहुंचेगी जब तक हमें चीजें नहीं दिखाई देंगी All राइट सो यहाँ पे मेन काम क्या है मेन काम हमें ये सीखना था कि जो लाइट होती है वो सिंपल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ठीक है दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड और राइट इन वैक्यूम और एयर लाइट ट्रैवल्स विद दिलास इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है तो ये देखो ये है स्पीड ऑफ लाइट ठीक है ऑल्सो रिमेंबर लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अब तो आप ऐसे बोलोगे कि राइट right? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है बट सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देखो, लेट से दिस इज सन है ना ये है एक सन अब ये जो सन है ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अर्थ की तरफ वो लाइट देगा ऐसा तो नहीं है उसे उसको सब सारे प्लैनेट्स को लाइट देनी है है ना तो सन क्या करता है सन एक्चुअली लाइट को देता है सो लाइट एनर्जी सभी डायरेक्शन में जाती है बट बिल्कुल स्ट्रेट जाती है ठीक है जो लाइट है वो सभी डायरेक्शन में जाती है ये जो लाइट है वो ईस्ट में जा रही है वेस्ट में जा रही है अप जा रही है डाउन जा रही है नॉर्थ जा रही है साउथ जा रही है बट स्ट्रेट जा रही है अगर वो ईस्ट में गई है तो वो बिल्कुल ईस्ट में बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी अगर वो ऊपर जा रही है तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी अगर वो नॉर्थ में जा रही है तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी ठीक है इसी तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन ऑल डायरेक्शन सभी डायरेक्शन में लाइट जाती है लेकिन सभी डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट 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 जाती है ठीक है ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए ऑल राइट right? चलो ये है रैक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट रिमेंबर आई टोल्ड यू वैन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन जब हमने टाइप्स ऑफ मोशन स्टडी किए थे रैक्टिलीनियर मोशन रिमेंबर जब हम बिल्कुल स्ट्रेट 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 चलते स्ट्रेट लाइन पर जब हम चलते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं लीनियर बोलते हैं एंड दैट्स हाउ प्रोपोगेट लाइट प्रोपोगेट मतलब मूविंग फॉरवर्ड ठीक है आगे जाना तो मीन लाइट कैसे आगे जाती है बिल्कुल सीधे आगे जाती है उसको कहीं मुड़ना नहीं होता उसे कहीं पे भी कर्व नहीं होना होता ठीक है टर्न नहीं लेना होता बट इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट ठीक है अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में पहला लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी वी नो दैट लाइट क्या होती है इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है लाइट खुद तो इनविजिबल होती है लेकिन दूसरी चीजों को विजिबल कर देती है ठीक है तो मीन्स लाइट इज एन एनर्जी विच इज इनविजिबल विच वी आर नॉट एबल टू सी ठीक है नेक्स्ट लाइट डज नॉट रिक्वायर मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन दैट इज लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यू अब आप सोचो जब कोई वेव ट्रैवल करती बिकॉज लाइट इज़ अ वेव ऑल्सो ठीक है इट इज़ एन वेव बट इट इज़ ऑल्सो इन एनर्जी एनर्जी फ्लोइंग राइट अब देखो मैं तो बताती हूँ कि जो लाइट होती है वो वैक्यूम में से आ सकती है क्या प्रूफ है इसका कैसे वैक्यूम में से आ सकती है हम कैसे बोल सकते हैं वो ऐसे बोल सकते हैं बिकॉज सन और अर्थ के बीच में बहुत सारा वैक्यूम है राइट right? अर्थ और सन के बीच में बहुत सारा वैक्यूम है एंड आपको ये बात पता है कि सन से अर्थ तक लाइट आती है दैट मीन्स लाइट कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम ठीक है इसका मतलब ये हुआ ऐसा नहीं है कि लाइट को एक मीडियम ही चाहिए मतलब लाइट वाटर uh, में से ट्रैवल कर सकती है लाइट एयर में से ट्रैवल कर सकती है लाइट सॉलिड में से ट्रैवल कर सकती है ये जो चीजें हैं ये जो चीजें हैं दीज आर नॉट नेसेसरी

लेकिन ये बात तो पक्की है कि लाइट वैक्यूम में से जा सकती है दिस शोज कि उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती ठीक है उसको क्या होता है उसको उसका बस जाना होता है वो चली जाती है ठीक है उसको कोई मीडियम चाहिए नहीं होता कि भाई नेसेसरी है अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो लाइट ट्रेवल नहीं होगी ऐसा नहीं होता ठीक है नेक्स्ट आप देखो स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस वैक्यूम इज थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड इथ स्पीड इज मार्जिनली लेस इन एयर वैक्यूम में इसकी सबसे तेज स्पीड होती है अब तक इस स्पीड से ज्यादा किसी और ऑब्जेक्ट का स्पीड नहीं है सो दिस इज द फास्टेस्ट वन ठीक है ये स्पीड सबसे ज्यादा होती है एंड दिस इज इन दैक्यूम एयर के अंदर थोड़ी सी इसकी स्पीड कम हो जाती है बिकॉज एयर के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो उनसे टकराते टकराते जाती है जस्ट बिकॉज ऐसा क्या होता है कि थोड़ी बहुत जो लाइट है जो उसका स्पीड है वो डिक्रीज हो जाता है बट ज्यादा डिक्रीज नहीं होता सो वी एज्यूम कि उसमें भी थ्री इंटू टेन की पार एट मीटर पर सेकेंड ही होगा ठीक है नेक्स्ट देखो इट्स स्पीड डिक्रीज कंसिडरेबल इन ग्लास और वाटर जैसे जैसे ज्यादा अगर इसे डेंस मीडियम मिलता है ठीक है जैसे कि वाटर एयर से ज़्यादा डेंस होता है वाटर जब वो वाटर में जाएगा तो एयर के कंपैरिजन में उसका स्पीड और कम हो जाएगा लाइट का फिर अगर वो किसी सॉलिड में से जाएगा फॉर एग्जांपल ग्लास तो अगर वो सॉलिड में से जाएगा तो उसकी वेलोसिटी और थोड़ी सी कम हो जाएगी सो इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम कि कितना ज़्यादा डेंस है मीडियम अगर ज़्यादा डेंस होगा तो मतलब स्पीड जो है लाइट की वो थोड़ी कम हो जाएगी ठीक है तो मतलब वैक्यूम में सबसे ज्यादा एंड देन बाकी मीडियम में डेंसिटी के ऊपर बेस्ड होकर लाइट उसमें से जाती है एंड उनका स्पीड उस पर डिपेंड करता है ठीक है अब देखो फोर्थ वन लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश सरफेसेस सच एज मिरर्स ऐसी सरफेसेस जो बहुत पॉलिश्ड है पॉलिश्ड मतलब बहुत ही ज्यादा यू नो यू कैन से शाइन करती है ठीक है वन वे ऑफ दैट शाइन करती है एंड बहुत ही स्मूथ सरफेसेस होती है अगर आप उसको टच करोगे यू विल नॉट बी फीलिंग एनी रफनेस ऐसी जो सरफेसेस होती हैं, उन सरफेसेस से लाइट क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है ठीक है रिफ्लेक्ट मतलब आना टकराकर उस ऑब्जेक्ट से वापस चले जाना दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो ठीक है When लाइट goes फ्रॉम वन मीडियम टू another, इट चेंजेस इट्स पाथ दिस phenomenon इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ठीक है अब देखो अब मेन चीज क्या है कि देखो जब एक लाइट आती है एक रे आ रही है लाइट की किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से टकराती है एंड इट गोज बैक दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन बट लाइट आती है और वो किसी मीडियम में चले जाए लेट्स से वाटर में चले जाए ग्लास में चले जाए ठीक है तो अगर वो मीडियम चेंज करती है उसे हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं ठीक है रिफ्रैक्शन का मतलब जब लाइट जाती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वो अपना हल्का सा पाथ चेंज कर लेती है दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्शन एंड लाइट रिफ्लेक्शन में भी अपना पाथ चेंज करती है बट वो सेम मीडियम में रहती है एयर में से आती है टकराने के बाद एयर में से ही चले जाती है दैट इज द रिफ्लेक्शन पाथ तो चेंज हो रहा है बट वो सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है ठीक है सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है ठीक है अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टर्म्स की जो लाइट से रिलेटेड हैं और जो कि आपको बिल्कुल जानने चाहिए हम लोग इन इनको बहुत ज्यादा मेंशन करेंगे फॉर एग्जाम्पल पहला है रे ऑफ लाइट वॉट इज दैट रे ऑफ लाइट रे का मतलब होता है अ सिंगल लाइट यू कैन से अरे ऑफ लाइट दैट मीन्स यू कैन से अ सिंगल लाइन ऑफ लाइट जैसे द पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट मैथमेटिक्स में आप लोग रे समझेंगे व्हाट इज दैट रे रे में क्या होता है एक तरफ एरो होता है ठीक है एंड दिस एरो शोइंग यू वेयर दिस लाइट इज गोइंग ठीक है तो दिस इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट दैट मीन्स सिंगल एरो से जो आप रिप्रेजेंट करते हो एक ही एरो ठीक है एक ही लाइन है उसके आगे हमने एरो लगा दिया दैट मीन्स दिस इज द रे और जो एरो है जहां की तरफ भी पॉइंट आउट कर रहा है वो किसकी डायरेक्शन है लाइट की डायरेक्शन है लाइट इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन ओनली दिस इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट ठीक है सो यहाँ यू आप यू कैन से दैट कि जो रे ऑफ लाइट है दैट मीन्स इट इज शोइंग यू द पाथ ऑफ लाइट वेयर दैट लाइट इज गोइंग ठीक है ये चीज बताने के लिए वी ऑलवेज यूज अ वर्ड रे ऑफ लाइट ठीक है लाइक कहां जा रही है वी ऑलवेज रे ऑफ लाइट आप देख सकते हो रे ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जो है लाइन होती है एंड देयर इज एरो व्हिच इज शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट वेयर द लाइट इज गोइंग ठीक है सो रे ऑफ लाइट इज जस्ट अ सिंगल लाइन ऑलराइट अभी मैं तुम्हें बताती हूँ एक और कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ जब जो रेज है ना वो रेज वन से ज्यादा होंगी ठीक है उन्हें हम क्या बोलेंगे बीम ऑफ लाइट अ कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट जब बहुत दो तीन रेज हो जाए लेट से लेट से लाइक दिस ये तीन रेज हैं, ठीक है दीज आर थ्री रेज अब दीज रेज आर कलेक्शन राइट अब वेन वी से लाइक दिस वेन वी कलेक्टेड दीज थ्री रेज देन वी कॉल इट अ बीम क्या बोलते हैं इसे बीम बोलते हैं हमने क्या किया है वन टू थ्री रेज को कलेक्ट कर लिया तो दिस कलेक्शन ऑफ रेज इज एक्चुअली नोन एज द बीम ऑफ लाइट ठीक है हाव एवर इफ द नंबर ऑफ रेज इज टू स्मॉल देन सच अ कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड पेंसिल ऑफ लाइट जब जो रेज होती हैं वो बहुत कम होती हैं, बहुत ही कम होती है लाइट थ्री ओनली ठीक है तो इसे हम क्या बोलेंगे पेंसिल ऑफ लाइट लेकिन अगर मैं बहुत सारी रेज बना दू जैसे मैंने अभी इतनी सारी रेज बना दी इतनी सारी रेज बना दी ठीक है अब ये जो इतनी सारी रेज हैं एक्चुअली में ये रेज एक्चुअली में क्या कहलाई जाएंगी बीम अगर कम रेज हुई तो हम बोलेंगे पेंसिल ऑफ लाइट अगर ज्यादा रेज हुई तो हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट ठीक है चलो अभी एक और चीज हम देखते हैं पैरेलल बीम अगर जो रेज हैं ठीक है ठीके? काफी ज्यादा रेज हैं एंड दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन देन वी से दैट डीज आर कॉल्ड द पैरेलल बीम ऑफ लाइट ठीक है light, सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं सभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं दोज आर एक्चुअली नोन एज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट ठीक है When the rays of light travel parallel to each other, then the collection of such rays is called parallel beam of light. तो देखो जब कभी भी क्या होता है, जैसे वेंटिलेटर से सनरेज़ अगर आपके रूम में आती हो, तब हम क्या बोलेंगे? A parallel beam of light is coming into your room. ऐसे हम लोग बोलते हैं ठीक है सो वी मेक श्योर दैट अगर सारी की सारी लाइट रेज पैरल होती हैं ठीक है एक ही डायरेक्शन में जाती हैं देन वी ऑलवेज से वैट बीम ऑफ लाइट ठीक है चलो अभी हम क्या करते हैं आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी वी हैव सीन द मीडियम्स ऑफ लाइट वी हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट then we have seen ray of light beam of light pencil of light parallel beam of light itni saari cheeze dekhne ke baad let's do some questions all right hum kuch questions karte hai so question mein hum log pehle match the following dekh lete hain dekho match the following ke pehle column mein kya hai mirror fireflies wax paper light moon theek hai second column mein hai translucion travels in straight line reflection bioluminescence nonluminescent ठीक है? ये चीजें हम देखते हैं कौन किससे मैच करता है ऑलराइट right, तो अब देखो मिरर मिरर तुम्हें क्या लगता है इनमें से क्या होगा और अगर तुम्हें जैसे समझ में नहीं आए कि भाई इनमें से क्या हो सकता है मिरर तो लेट्स ड्रॉप दैट मिरर किसी और से शुरुआत करते हैं जैसे कि फायरफ्लाइज फायरफ्लाइज क्या ट्रांसलूसेंट होती है नहीं ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन करती है नहीं रिफ्लेक्शन करती है नहीं बायोलुमिनिसेंट है यस yes. बायोलूमिनिट मतलब कि वो एक ऑर्गेनिज्म है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो खुद से लाइट को प्रोड्यूस करता है दैट इज बायोलुमिसरफ्लाईज आर एक्चुअली मैच टू द बायोलुमिनट ठीक है तो मैं यहां कनेक्शन लिख देती हूं कनेक्शन है टू का डी अब देखो वैक्स पेपर क्या वैक्स पेपर लुमि है जस्ट लाइक बटर पेपर राइट सो वी कैन डेफिनेटली मैच दैट ठीक है अब देखो लाइट लाइट के लिए हम क्या क्या देख सकते हैं हमारे पास थ्री ऑप्शन बचा है लाइट में देखो ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन यस रिफ्लेक्शन यस नॉन लुमिनी नो नॉन लुमि कैसे हो गया ठीक है अब देखो हम अब क्योंकि कंफ्यूज है कि भाई लाइट

ठीक है फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मिरर है एक्चुअली वो एक नॉन लुमिनि ऑब्जेक्ट है नॉन क्यों क्योंकि मिरर की खुद की लाइट नहीं होती वो क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है मिरर क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है सो वी कैन से दैट कि जो मिरर है हमारा वो एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है दैट इज ई ठीक है अगर हम बात करें लाइट की तो बचा इकलौता कौन है ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन तो हम लोग बोलेंगे फोर्थ का बी एंड देन फिफ्थ

और ओ फॉर ऑपिक ऑब्जेक्ट ठीक है तो मी फैविकॉल क्या होता है फैविकॉल ऑपिक होता है ट्रांसलूशन होता है या फिर ट्रांसपेरेंट होता है फैविकॉल फैविकॉल कैसा होता है ऑपिक होता है बेटा फेविकॉल में से आप कैसे देख पाते हो नहीं देख पाते हो है ना अब हम बात करते क्लियर वाटर क्लियर वाटर में तो पहले ही लिखा हुआ है क्लियर है तो मतलब तब तो दिखेगा ना तो इसका मतलब ये तो क्लियर है ट्रांसपेरेंट है ग्लास ग्लास में से भी हमें दिखता है आई टोल्ड यू ग्लास बाउल जो हमने देखा था जिसके अंदर फिश मूव कर रही थी तो दैट मीन्स उस ग्लास बाउल में से वी कैन सी थ्रू दैट इज ट्रांसपेरेंट दैट मींस वी आर गोइंग टू राइट सी फॉर क्लियर फिर देखो बफर पेपर बफर पेपर भी एक ऐसा पेपर है जो कि ट्रांसलूशंट होता है सो वी आर गोइंग टू राइट एफ दैट मीन्स फ्रॉस्टी बल्ब बल्ब का आउटर पार्ट कैसा होता है क्लियर होता है तुम फिलामेंट देख सकते हो तो वी आर गोइंग टू राइट वर्ल्ड

नी ट्रांसलूशन फ्लॉरिशन बी अ गुड थिंग बट वी आर गोइंग टू राइट ह्यर फ्लॉस्टी ठीक है सो so, देखो इस तरीके से वी कैन डेफिनेटली राइट द थिंग्स दैट जो कि हमारे लिए ऑपिक है फ्रॉस्टी है ट्रांसलूशंट है ठीक है फ्रॉस्टी मीन ट्रांसलूशन एंड ट्रांसपेरेंट ऑल राइट सो यहां पे हम लोग बता सकते हैं कौन सी ऑब्जेक्ट कैसी है ठीक है अब हम तीन क्वेश्चन करते हैं ठीक है थ्री क्वेश्चन मोर लाइट कॉज इज साइट बोथ बी विजन और साइट सेम थिंग्स होते हैं वी कैन की बोथ ऑफ ए एंड बी ठीक है बोथ ऑफ ए एंड बी वी कैन राइट दैट नेक्स्ट देखो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म ऑफ एनर्जी मासलेस वी आर गोइंग टू से ऑल ऑफ देम दिस इज न्यू थिंग राइट फॉर यू ऑल तो देखो जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है आई विल बी टेलिंग यू हाउ बिकॉज ये आप हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिकॉज लाइट को ट्रेवल किसमें से करना होता है वैक्यूम में से करना होता है वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता सो so, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एक्चुअली मूविंग पपेंडिकुलर टू दैट ठीक है एक दूसरे के पपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं एंड वी कॉल दैट द लाइट ठीक है सो बेसिकली लाइट इज एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन इट इज़ एन फॉर्म ऑफ एनर्जी वी नो दैट इट इज ट्रू इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वी कैन सी दैट इट इज मासस ऑल्सो सो वी कैन सी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन ठीक है लाइट शोज रैंडम कर्वी प्रॉपोगेशन करवीलिनियर प्रॉपोगेशन रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन नन ऑफ दीज सो वी नो दैट इट इज रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ठीक है सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन ठीक है तो इस तरीके से हम सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग द न्यू नॉलेज फ्रॉम दीज क्वेश्चन ऑल्सो ठीक है सो मेक श्योर दैट यू डू ऑल द क्वेश्चन ठीक है Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, do the homework, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.